नवविहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। होली का रंग अभी लोगों के चेहरे से उतरा भी नहीं है और चुनावी रंग तो पहले से चढ़ा हुआ था, अब कुछ ज़्यादा ही चढ़ जाएगा। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिरिडीह के विधायक सुधीर कुमार सोनी जी हैं। सुधीर जी, आपका नवविहार में स्वागत है। धन्यवाद, आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। सबसे पहला सवाल चुनावी रंग को लेते हुए, अभी तक आप लोगों ने खुले तौर पर नहीं कहा कि गाड़े से कल्पना सुरेश चुनाव लड़ेंगे या नहीं। देखिए, राजनीति में कयास एक विषय है और आधिकारिक घोषणा एक विषय है, और अक्सर कयास आधिकारिक घोषणा के समीप ही होते हैं। तो आधिकारिक घोषणा का इंतजार कीजिए और कयास लगाने के लिए आप भी स्वतंत्र हैं, क्षेत्र की जनता भी स्वतंत्र है। चलिए, आपने इशारे में हमारे दर्शकों को बता दिया और हम भी ये मानते हैं कि कयास शायद आधिकारिक घोषणा में बदल जाए। दूसरा सवाल, सबसे जो बात यह है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो आप लोगों की तैयारी चल रही है और कुछ कुछ बातें छन छन कर जो सामने आ रही हैं, खासतौर पर कोडरमा लोकसभा सीट को लेकर कि वहाँ गठबंधन के धर्म के तहत माले को वो सीट दी गई है, तो क्या आपकी पार्टी का वहाँ पर क्या रहेगा, क्योंकि जयप्रकाश जी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जयप्रकाश वर्मा अगर उस सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुत कड़ी चुनौती मिलेगी और ये बराबरी की टक्कर होगी। अखबारों में ये सूचनाएं आ रही हैं, आधिकारिक घोषणा तो बिल्कुल नहीं है, अखबारों में ये सूचनाएं आ रही हैं कि गठबंधन में वसीक शायद माले को देने की चर्चा चल रही है, लेकिन जब तक हमें अपने केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा या हमारे केंद्रीय नेतृत्व और कांग्रेस के नेतृत्व के सामूहिक बयान नहीं आ जाए, तब तक हम ये नहीं मानते हैं कि यही यथार्थ है, यही सच्चाई है। और रह गया सवाल राजनीतिक घटनाक्रम पर, दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता बड़ी बारीक नज़र रखे हुए हैं और मुझको लगता है कि कोडरमा के विषय में जो भी फैसला आएगा वो फैसला कोडरमा क्षेत्र की जनता के हित के लिए होगा, अपने इंडिया गठबंधन के हित के लिए होगा और देश के हित के लिए भी होगा। जी, कुछ सवाल हम गिरिडीह के परिप्रेक्ष्य में करते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्यों की बात करें तो हमने लगातार दिखाया भी, आपने बताया भी है और काफ़ी काम हुए हैं और कई गाँवों पर अभी बस शुरुआत हुई है, जैसे कि गिरिडीह पचम्बा रोड के चौड़ीकरण की बात करें या उसरी को लेकर बात करें। उसरी एक बहुत ही अहम मुद्दा अभी बना हुआ है और उसरी को लेकर अभी एक बिल्कुल एक नई योजना फिर से आप लेकर आए हैं, वो क्या योजना हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। देखिए, उसरी नदी में छठ घाटों के भ्रमण के दौरान हमने यह पाया कि शहर के 5 बड़े नाले नदी में सीधे तौर पर चले जा रहे हैं। निगम के पास कहीं कोई उसकी व्यवस्था नहीं थी कि नालों का उस गंदा पानी को नदी में गिरने से रोका जाए। इसी भ्रमण के दौरान हम लोगों ने जब वैज्ञानिक रूप से इन चीज़ों के ट्रीटमेंट की बात की तो यह पता लगा कि यदि नाले के पानी को एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ETP कहते हैं, ETP के थ्रू अगर नदी में डाला जाए तो वैसी स्थिति में पानी साफ हो चुका होगा और नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। यह प्रस्ताव लगभग 1.5 साल पहले हम लोगों ने भेजा था रांची, चूँकि बड़ी राशि लगने की संभावना थी, तो 1.5 साल तकनीकी अड़चनों से जूझते हुए और लोगों को कन्विंस करने में लग गया, लेकिन बहुत धन्यवाद इस बात का कि अंततः वो योजना की स्वीकृति मिली और लगभग 6 करोड़ की राशि निगम को मिली है, जिस राशि में शास्त्री नगर से झरियागादी के बीच में जो भी बड़े नाले हैं उन नालों पर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको ETP कहते हैं, ETP लगाया जाएगा और नालों के पानी को ट्रीट करके उसके बाद नदी में डाला जाएगा, जिससे नदी की पवित्रता और नदी की सफाई अक्षुण्ण रहे और आने वाले दिनों में ये मरती हुई नदी को बचाने के हमारे जो प्रयास हैं, उसरी बचाओ अभियान के सदस्यों के जो प्रयास हैं, उन प्रयासों के लिए पहला पग या पहला कदम है। अब एक बार फिर से उसरी को छोड़कर राजनीति की तरफ बढ़ते हैं और हालिया दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रमों में बदलाव आया है, खास करके झारखंड की राजनीति में, तो आपका जो दायरा है वो गिरिडीह में बांध के नहीं रखा जा सकता, आपने अपनी भूमिका भी निभाई है पूरे प्रदेश को लेकर, तो अभी जो स्थितियां बन रही हैं दुमका को लेकर क्या मानना है, दुमका से क्या हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे लोकसभा? देखिए, पार्टी इस विषय में बड़ा गंभीरता से सोच रही है, चूँकि राजनीतिक परिस्थितियाँ बदली हैं। सीता मैम जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की महासचिव और जामा से विधायक रही हैं, हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी में उनका शामिल होना भी इस राजनीतिक घटनाक्रम के बदलाव के संकेत हैं। पार्टी को भी निश्चित रूप से अपनी
रणनीति बदलाव करना पड़ेगा, अपने तौर तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा और तमाम बारीकियों पर, तमाम पहलुओं पर बड़ी गंभीरता से विचार करते हुए दुमका लोकसभा के बारे में निर्णय होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि चूंकि दुमका लोकसभा का चुनाव सातवें चरण में है, लगभग अंतिम चरण में है, तो समय अभी काफ़ी है, विचार मंथन का दौर चलेगा और संगठन पार्टी जो निर्णय करेगी वो दुमका लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर होगा और इंडिया ब्लॉक के लिए भी बेहतर। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, सीता सोरेन का आपने जिक्र किया, तो सीता जी चली गई हैं भारतीय जनता पार्टी में, आपको कितना बड़ा चैलेंज दिखता है उनका भारतीय जनता पार्टी में जाना? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक दल में नेताओं कार्यकर्ताओं के आने और जाने की बात है, ये चीज़ें चलती रहती हैं और कोई भी राजनीतिक संगठन अपनी विचारधारा अपने जनाधार के दूते राजनीतिक समर में उतारता है। व्यक्ति बदल सकते हैं, व्यक्ति जा सकते हैं, जनाधार और विचारधारा शिफ्ट नहीं होती है। सीता मैडम गई हैं, हम उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना उनको देते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि दुमका, संथाल परगना और दिशम गुरु शिवू सोरेन की धरती रही है। हाँ, ये बात भी सही है कि बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, लेकिन अगर बड़े अरसे से बड़े अंतराल की बात हम करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही उस सीट पर विजयश्री हासिल की है और हमें इस बार पूरी उम्मीद है कि 2024 में निश्चित रूप से दुमका की सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जाएगी। आज की बातचीत का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, गांडे उपचुनाव को लेकर आपने कहा कि कयास आधिकारिक घोषणा में बदल भी सकता है, ऐसा होता है। एक आखिरी सवाल है, गांडे उपचुनाव के बाद क्या प्रदेश के मुखिया का चेहरा बदलेगा या बदलेगा? कि इस संबंध में तो कोई अभी चर्चा नहीं चल रही है। अब रह गया सवाल, इससे मिलता जुलता एक प्रश्न मुझसे लोगों ने पूछा था, उस समय जो जवाब हमने दिया था मैं उसी को दोहरा दे रहा हूँ। गिरिडीह विधानसभा में अपने कार्यकाल में हमने लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं इस गिरिडीह विधानसभा को सौगात में दी हैं। लोग ये कहते हैं कि हेमंत बाबू का कृपा पात्र होने के चलते मुझको ये हासिल है। तो कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी अथवा नहीं बनेंगी, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन हेमंत सोरेन की अर्धांगिनी अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं तो आने वाले 6 महीने में 4000 करोड़ की योजनाएं गांडे के लिए ले आएंगी और गांडे भी VIP सीट होने का एहसास करेगा, गर्व करेगा और उस गौरव की अनुभूति करेगा। तो मेरा ये मानना है कि गांडे का चुनाव अब बड़ा प्रेस्टिजियस चुनाव होने जा रहा है, गांडे की सीट अब हॉट सीट बन चुकी है और आने वाले दिनों में गांडे के प्रतिनिधि के वजह से गांडे का चहुंमुखी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे गिरिडीह के विधायक सुधीर कुमार सोनू जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कुछ तो इशारों में बड़ी बेबाकी से कई सवालों का जवाब दिया। अभी चुनाव का दौर चलता रहेगा और इनसे बातचीत होती रहेगी, हम अपने दर्शकों को और भी इनसे बातचीत के प्रश्न दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.